हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द इजीली एग्जाम क्रैक। इजीली एग्जाम क्रैक कर स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक्चुअली अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर आने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली रूस बोला 10 बच्चों की मां को मिलेंगे 1 मिलियन। वो कहीं सपना तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं, दैट इज द राइट। बेसिकली अगर मैं कहूं तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में 15 अगस्त को अपने देश में घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक्चुअली अभी हमारे पास में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इंस्पायर करना बहुत जरूरी है। और इसी इंस्पिरेशन के कारण से फिर एक बार और एक जबरदस्त तरीके से मदर हीरोइन पुरस्कार में 1 मिलियन रूसी रूबल राशि देने की घोषणा की गई है। एक्चुअली ये 1 बिलियन यहां पर बात कर सकते हैं रूसी रूबल राशि देने की जो मदर हीरोइन पुरस्कार में घोषणा की गई है। मैं आपको बता दूं कि दैट इज एक्चुअली नॉट दिस वे, यानी कि केवल मात्र राशि नहीं बल्कि 10 माताओं को, यानी कह सकते हैं कि 10 बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को यहां पर एक मेडल से भी नवाजा जाता है। दरअसल यहां पर मैं कहूं तो मदर हीरोइन पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो वास्तव में देखा जाए तो धीरे धीरे करके जनसंख्या को बढ़ाना है। क्योंकि इस समय अगर हम कहें तो मदर हीरोइन पुरस्कार की स्थापना जो थी वो शुरुआत जो हुई थी 1944 में हुई थी, जिसे जोसेफ स्टालिन ने किया था। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अबाउट अराउंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जोसेफ स्टालिन यहां पर दरअसल रूस के राष्ट्रपति रहे थे, और रूस के राष्ट्रपति होने के नाते इन्होंने एक्चुअली यहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत तेजी से गिरती जनसंख्या को संभालने के लिए मदर हीरोइन पुरस्कार की घोषणा की। इस मदर हीरोइन पुरस्कार की घोषणा करने के साथ ही इन्होंने बहुत तेजी से यहां पर उन महिलाओं को पुरस्कार प्रदान करना शुरू कर दिया वास्तव में जो क्या कर सकती थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहां पर बच्चों को जन्म दे सकती थी। और इसी के आधार पर एक्चुअली महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए पुरस्कार की कुछ राशि अवार्ड के साथ साथ पोस्टर्स भी छपवाए गए थे। यही ऐसा अगर हम कहें तो पोस्टर्स एक्चुअली हमारे सामने हमें देखने को मिलता है। और इस तरीके से धीरे धीरे करके एक्चुअली यहां पर इन सभी अगर हम कहें तो जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि दरअसल थ्रू आउट द टाइम, यानी कि संपूर्ण समय जब तक रूसी संघ अपने अस्तित्व में था, लेकिन अगर हम कहें तो मदर हीरोइन पुरस्कार है उसे 1991 में रूसी संघ के पतन के साथ ही बोरिस येल्सिन ने समाप्त कर दिया था। क्योंकि 1991 में, यानी कि 1991 में जो रशियन फेडरेशन था, रूसी संघ जो था जिसे सोवियत यूनियन के नाम से पुकारा जाता था, दरअसल इसका विघटन हो गया। इसके विघटन का सबसे बड़ा कारण दरअसल मिखाइल गर्बाचोव और उसकी यहां पर विदेश नीतियों को माना जाता है। मिखाइल गर्बाचोव के बाद में एक्चुअली इन जैसे ही हमारे पास में पूरे रूसी संघ का पतन हुआ तो नए राष्ट्रपति के रूप में बोरिस येल्सिन आए। बोरिस येल्सिन के आने के साथ ही एक्चुअली यहां पर जो मिलिट्री कूप हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से जो तख्ता पलट किया गया था, इसी तख्ता पलट के साथ में दरअसल हमारे पास में रूसी संघ की समाप्ति की गई और मदर हीरोइन नामक पुरस्कार को भी समाप्त कर दिया गया जो कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता था। लेकिन इसके बाद एक लंबे समय के बाद में अभी हाल ही में 15 अगस्त को बेसिकली यहां पर बात कर सकते हैं कि हमारे व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इस अगर हम कहें तो मदर हीरोइन पुरस्कार को पुनः प्रस्तुत किया गया और साथ ही साथ लगभग 1 मिलियन रूबल, वो 1 मिलियन रूबल तात्पर्य होता है हमारे भारतीय अगर हम कहें तो मुद्रा में दरअसल ये लगभग 13 लाख रुपए की राशि है। यानी कि 13 लाख रुपए की राशि एक माता को प्रदान किया जाएगा यदि वह 10 बच्चों को जन्म देती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि 13 लाख रुपए, क्या आपको लगता है कि बेसिकली इतनी छोटी राशि 10 बच्चों को पालने के लिए काफी होगी? और सबसे खास बात यहां पर इस राशि को प्रदान करने की जब बात की जाती है तो यहां पर यह भी कहा जाता है कि दरअसल यहां पर 10वां बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तब जा करके क्या होना चाहिए, यहां पर उन माता के अकाउंट में इस 1 मिलियन की जो राशि होगी वो ट्रांसफर की जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं यहां पर व्लादिमीर पुतिन का ये एक्चुअली दरअसल नीति कितनी कारगर साबित होती है, कितनी अच्छी होगी। लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं फाइनली एट द एंड कि इजीली एग्जाम क्रैक की बात की जाती है तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास में पॉइंट आता है और दरअसल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जहां पर एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चंस
पूछे जाने हैं और इजीली एग्जाम क्रैक ने वहां से इस चीज को पकड़ करके आपके सामने लाया। तो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के लिए हमारे पास में हर एक एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बने रहिएगा, जुड़े रहेगा और ऐसे ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ में जुड़े रहेगा। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने इजिली एग्जाम क्रैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। फिर मुलाकात होती है एक बार और ऐसे ही किसी एक जबरदस्त सेशन और इंफॉर्मेशन के साथ में। Bye-bye and all the best.